तो चक्कर ही है। ये क्या हो गया तुम्हें? तोते चैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पानी, बहुत प्यास लग रही है। पानी। अरे यहाँ तो पहले कभी नदी टाइप की चीज हुआ करती थी। लगता है नदी मछलियों की पार्टी करके गर्मी की छुट्टियों के लिए समंदर से मिलने चली गई। पता नहीं आज ये सूरज इतना फुल वोल्टेज में क्यों चमक रहा है। चलो पानी के आखिरी बूंद से ही गला गीला कर लेते हैं। चला चला मैं उड़ चला चला मैं चला। फिर तुम आ गए, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ऊपर जाके गिल्ली डंडा खेलो। जोश जोश में मैं अपनी मशीन से बाहर क्यों आ गया? लग रहा है मेरी अकल का पानी भी सूख गया है, जो इतने अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। अप्पा, यहाँ पर बारिश कब होगी? ये तो बारिश कराने वाली कंपनी के आदमी से पूछना पड़ेगा कि कब होगी। बारिश कराने वाली कंपनी का आदमी, लेकिन उसकी दुकान या मकान कहाँ है? अरे उनको कोई भी दुकान या मकान किराए पर नहीं देता है। वो देखो वहाँ पे, वो देखो उस पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पे उसका ऑफिस है और वहीं से वो बादलों की अलग अलग शिफ्टें लगाकर उनको बारिश करने की ड्यूटी देता है। फिर तो हमें वहाँ जाकर उससे किसी बादल से ओवरटाइम करवाने की इंती बिनती करनी चाहिए। तो अपने अकल का खच्चर ज्यादा मत दौड़ाओ, उसका अपॉइंटमेंट आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। क्या? ये बात मेरे को मेरे दादाजी ने बताई थी, उनको उनके दादाजी ने बताई थी, और उनके दादाजी को उनके सुपर दादाजी ने बताई थी, और उनके दादाजी को उनके सुपर डुपर दादाजी ने बताई थी। तो तुम समझ ही गए होंगे ना कि हमारे खानदान में दादाजियों की कितनी बड़ी फौज थी। ये कहाँ चला गया? मुझे उछालो तोते चैन, मैं उस एजेंट से मिलकर बादलों की सेटिंग करके आता हूँ। ठीक है, ये लो। जाओ। आ जाओ। और हो। ये लो। जाओ। अरे गया। पकड़ लिया। बाल से बाल बाल बच गया। हम चोटी पर तो पहुंच गए। हाँ पहुंच गए, पर बारिश का इंजन कहीं नजर नहीं आ रहा। देखते हैं। ये क्या? मुझे लगता है वही एजेंट है और बादलों से सीधा यही चला आ रहा है। ये कौन है? बारिश की एजेंट तुम ही हो क्या? लेकिन तुम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। बिंदी कहीं का? अरे मेरा तो धुआं धुआं हो गया। अच्छा किया तुमने, इसकी मजाक करने की बहुत बुरी आदत है। लेकिन असल में बारिश न होने की वजह से हम बहुत परेशान हैं। तुम थोड़ी बारिश की सप्लाई कर दो। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन इस रिमझिम बारिश से कुछ नहीं होगा, हमें तो टन 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 बारिश की जरूरत है। अब मैं क्या करूं? ये एजेंट ही इतना छोटा है तो बारिश कहाँ से बड़ी करेगा? अरे ये क्या कर रहे हो? इसे तो मैंने कल ही मेले में खरीदा था। लगता है ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है। कहाँ चला गया वो? झटका लगा रहे। शक्ल से तो ये जरूर तुम्हारी अम्मा लग रही है। तो मौसी जी अब फंस गई है, इसलिए किसी बड़े बादल की ड्यूटी नहीं लगा पा रही है। यदि मैंने आपको फ्री कर दिया तो आप फ्री में बारिश कर देंगी?
तोते चैन। मुझे किसी ने बुलाया? तोते चैन इधर। क्या बात है? यहाँ नीचे बहुत सारे केले हैं, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। बहुत सारे केले? आप पीछे मतलब मौसी जी। मैं आ रहा हूँ, केले मैं ही खाऊंगा। अपना प्रॉमिस याद रखना, बारिश धुआंधार करना। बारिश आ गई। लो कर लो बात। बरखा बहार आई, खुशियाँ भी साथ लाई। अप्पा शिकारी नंबर वन। आवाज से तो लग रहा है कि कोई शेर किसी जानवर के साथ कुश्ती लड़ रहा है। पर मुझे तो शिकार करना है, लेकिन इस मेंढक का शिकार करके क्या अचार डालूं? चुपचाप जाकर देखता हूँ कहाँ किसका शिकार हुआ है। तेरे की लगता है कानों ने किसी गलत नेटवर्क से सिग्नल सुन लिया। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो शेर को गला फाड़कर जोश में सातवां सुर लगाते हुए सुना था। अच्छा तो ये चक्कर है, लगता है इसका शिकार उस शेर ने किया होगा। तो वो कहाँ गया? लगता है अकेले से खींचा नहीं गया होगा, इसलिए मदद लेने गया होगा। यही तो मौका है इसे ले जाने का। चल मेरे लाल, चल मेरे नीले, मैं तो तुझे खींच ही सकता हूँ। बहुत वजन है भैया इसमें। अरे गांव की अम्मा, जरा देखो मैं क्या लाया हूँ। फिर से किसी चूजे का शिकार करके लाए हो क्या? अरे वाह, इसे कहते हैं नहले पे दहला। गौन देखो तुम्हारे अप्पा की तो निकल पड़े, कितना बड़ा शिकार करके लाए हैं। हाँ अप्पा, इसका शिकार आपने किया है या किसी से उधार मांग कर लाए हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे डोले शोले देख कर ये अपने आप ही मेरे सामने टपक गया और शिकार हो गया। तुम कितने बहादुर हो। पता है तुम्हारी बहादुरी देख के मैं कितने खुश हूँ। अरे वाह पापा, आपकी बहादुरी का जवाब नहीं। आज तुम्हारे अप्पा ने उम्मीद से दुगना शिकार किया है। चलो गौन, इसे अब अंदर ले चलो। कहाँ जा रहे हो गौन? थोड़ा वजन कम करके आता हूँ। तुम्हारी आंखों की लालटेन का तेल खत्म हो गया क्या? तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा? आपने अप्पा की तरह बहादुर बनो। आप देखेंगे तो आपके बहादुरी की गलतफहमी दूर हो जाएगी। ओहो, क्यों दिमाग की बंसुरी बजा रहे हो? मेरी पोल का ढोल बज जाएगा। लगता है ये अपने शिकार का हिसाब बराबर करने आए हैं। अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी से घर के दरवाजे के आगे आग जला कर रख दो। मुझे तो डर लग रहा है, अब क्या करें? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ गौन की अम्मा। हाँ याद आया, तोते चैन, जल्दी से अपने हाथ का कमाल दिखाकर उनकी हवा टाइट कर दो। मुझे नींद आ रही है। तोते चैन को लड़ने के लिए क्यों कह रहे? आप अपनी बहादुरी किसी को उधार दिया है। असल में मेरी बहादुरी की जेब कट गई है, अब मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में बार बार एक
बात आ रही है। कौन सी बात? अगर ये शिकार तुम्हारे अप्पा ने किया था तो शेर उसे क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या उन्होंने एडवांस बुकिंग कराई थी इस शिकार की? अप्पा तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सच बताओ। वो असल में हुआ क्या था कि क्या इसका मतलब ये शिकार अप्पा ने नहीं उन शेरों ने किया था? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गौन के अप्पा। मुझे माफ कर दो गौन की अम्मा। अगर मेहमत की जगह चूहे का शिकार करके लाते तो इतना दुख नहीं होता। वैसे तुम चूहे के शिकार के लायक भी नहीं हो। अब तुम कुछ ज्यादा ही लेवल गिरा के बात कर रही हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अपना गुस्सा दिखाऊं? वो तो रोज ही देखता हूँ मैं। अपना गुस्सा एक दूसरे को बाद में दिखाओ, पहले हमें इस मुसीबत से निपटना है। हमें कोई ऐसा चाहिए जो उनसे टक्कर ले सके। ऐसा कोई है भी यहाँ? अब तोते चैन कैसा रहेगा? मैं नहीं। हमें आग को और तेज जलाना होगा। ये लो, ये भी पटक दो, ये भी जला दो। और लकड़ियाँ नहीं बची हैं। क्या कह रही हो, लकड़ियाँ खत्म हो गई? अगर ये आग बुझ गई तो समझो कि हम भी बुझ गए। आग बुझ गई, अब क्या होगा अप्पा? तुम दोनों यहीं पर रहना और डरना बिल्कुल मत। हाँ, और तुम? देखो मेरी चिंता छोड़ दो, तुम दोनों को बचाना मेरा काम है। गान, अब देखना तुम्हारे पापा उन शेरों की कैसे छुट्टी करते हैं। अप्पा मत जाओ। अगर दम है तो पहले मुझे हाथ लगा कर दिखाओ। इसने तो हाथ लगाए बिना ही अपना दम दिखा दिया। कमाल है, वो बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से चले गए। चुपचाप नहीं जाते तो क्या भांगड़ा करते हुए जाते? साथ में अपना शिकार भी ले गए जो मैंने बड़ी मेहनत से चुराया था। मेहनत से चुराओ या चालबाजी से चुराओ, चोरी चोरी होती है। अब हम खाएंगे टिंडे की भुर्जी और वो लेंगे शिकार का मजा। मैं आ गया, बहुत भूख लग रही है। तुम्हारे अप्पा शिकार पर गए हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएंगे। आज वो फिर किसी का शिकार चालबाजी से लेकर आएंगे? चुप रहो गौन, अप्पा फिर से ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप कहते तो मान लेता हूँ। यही मौका है चौका लगाने का, अब सारी मछलियाँ मेरे पास होगी। ए भाई क्या कर रहा है? बचाओ बचाओ, अरे कितना लड़ोगे, ओलंपिक से आए हो क्या? बचाओ बचाओ भैया, मान लिया तू ओलंपिक से आया है। मुझे मछली अच्छी नहीं लगती, मैं तो बस उनके टेम्परेचर नाप रहा था। मुझे मोती चाहिए। सच में बहुत सुपर डुपर हिट जगह है। लोग कर लो बात। पानी की लहरें कितनी शानदार लग रही है ना? सच में पानी की लहरें कितनी शानदार लग रही है। क्या बात है, आज मेरा मछली पकड़ने का कोई मूड नहीं है, इसलिए मैं मछली नहीं पकड़ना चाहती। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो बच गए। समंदर की मछली की बदबू से मेरी नाक का भेजा फ्राई हो जाता है। सही कहा तुमने। नहीं, मुझे मछली की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैंने सोचा कि तुम्हें मछली की गंध अच्छी नहीं लगती। लो कर लो बात। एक बात याद रखो, जब भी तुम मेरे साथ आया करो तो सोचने की मशीन अपने घर पर ही रखा करो। अगर तुम्हें मेरी पसंद पसंद नहीं तो मैं तुम्हें अपने पसंद से ना पसंद कर दूंगी। मुझे पसंद है, सच में पसंद है पीको। मुझे भी पसंद है। है ना? ओ, ओ? कैसा लगा? वो क्या है? वो समंदर में पाए जाने वाली एक बहुत कीमती चीज है जिसे मोती कहते हैं। सुंदर है ना? मुझे भी वो चाहिए, मुझे ला कर दो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तुम कितने अच्छे हो। Hehehehe
मैं तुम्हारे लिए समंदर की गहराई में उतर कर मछलियों से लड़ झगड़ कर वो मोती जरूर लाऊंगा। अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो। ये शायद मुझसे हाथ मिलाना चाहता है। ये लो। हाथ मिलाने के लिए कहा था, गला पकड़ने के लिए नहीं। अरे वाह, अगर ढक्कन इतना बड़ा है तो मोती कितना बड़ा होगा। इसे खोलता हूँ। खुल जा। ये खुल क्यों नहीं रहा। ये तोते चैन भी कहाँ चला गया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। गुदगुदी मत करो, गुदगुदी मत करो। ये कौन अभी तक नहीं आया। अरे वाह, वो कितना बड़ा मोती है। ये मेरे सर को मोती समझ बैठी। पीको, तुम टेंशन मत लो, मैं भाग कर गया, दौड़ कर आया। बस बातें बड़ी बड़ी करता है। मैं तो बोर हो गई। ये बिना बताए मुझे इंजेक्शन किसने लगा दिया। अभी खोलता हूँ। बच गई घंटी। पीको मोती देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ओहो, तोते चैन चुप रहो। तोते चैन। Huh?